Good morning, students. Welcome to P12 National School. In the last class, we discussed about the ellipse and hyperbola and parabola functions. Now, today is we discuss about the exponents, char ghatanki, y is equal to ex. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है चर घातांकी का वो क्या होता है y is equal to ex. ex जो होता है वो एक्सपोनेंट फंक्शन कहलाते हैं. e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.71. तो इसका जो ग्राफ जो आता है वो इस तरह से हाइपरबोलिक शेप के अंदर आता है. लॉग लॉगरिथमिक का जो ग्राफ आता है लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है. तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है. ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन. इसका जो ग्राफ आता है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस इस तरह से ये वाई इजी टू साइन एक्स का बनता है. ठीक है, ये स्टार्ट हमेशा कहाँ से हो रहा है 0 से हो रहा है. लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स के केस में क्या हो रहा है ये एक्स और ये वाई एक्सिस है तो ये इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से इस तरह से फ्लो करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स. ठीक है, हम यहाँ पर पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू और टू पाई के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं साइन एक्स की. तो जीरो के ऊपर जीरो, नाइन्टी के लिए वो क्या आ जाएगा माइनस वन, 180 के लिए जीरो और 270 के लिए प्लस वन और 360 के लिए जीरो. वाई इज इक्वल माइनस एक्स है. तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे. ठीक है, और वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स. अब कॉस एक्स के केस में एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू वन, पाई बाई टू का जीरो, पाई का वन, थ्री पाई बाई टू का जीरो और टू पाई बाई का माइनस वन. इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस तरह से होगा. y इज इक्वल टू फंक्शन लिया हमने 3 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो देखो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 3 अपॉन 0 मतलब इन्फाइनाइट. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई इन्फाइनाइट. यहाँ पर हमने 1 पुट करी तो यहाँ पर कितनी आ गई वैल्यू 3. जब हमने यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 इसका स्क्वायर किया तो 4, तो ये आ गया 3 अपॉन 4. 3 पुट करी तो 1 अपॉन 3 और 4 पुट करी तो 3 अपॉन 16. ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा. तो कुछ ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब हम इसके कुछ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसकी शुरुआत हम अब करने जा रहे हैं.